गुड मॉर्निंग। हम पढ़ाई शुरू कर रहे हैं कक्षा दसवीं का क्षितिज में पढ़ रहे हैं काव्यखंड। काव्यखंड में आज हम पढ़ रहे हैं कन्यादान, जिसके कवि हैं श्री ऋतुराज। आप सबसे पहले हम ऋतुराज जी का जीवन परिचय देखेंगे। तो ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से आपने अंग्रेजी में एमए किया और 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद आप अब सेवानिवृत्ति लेकर जयपुर में उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्म और अन्य पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख है। ये आपकी रचनाएं हैं। एक महिला धर्म और अन्य पुल पर पानी, सुरत निरत और लीला मुखारविंद। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार आदि से सम्मानित भी किया जा चुका है। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब हम देखेंगे कन्यादान में। कन्यादान कविता का परिचय क्या है? तो कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर कुछ शिक्षा दे रही है। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, वे आदर्श के मुलंबे में बंधन हैं। कोमलता गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में इसे आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा और प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। अब पाठ का परिचय देखने के बाद हम कन्यादान का सार देखते हैं कि प्रस्तुत कविता में माँ बेटी को स्त्री परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जीने की सीख दे रही है और कवि द्वारा समाज व्यवस्था स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी कुछ प्रतिमान है। कोमलता में गौरव और कमजोरी का उपहास छिपा है और लड़की जैसा न दिखाई देने किसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है, इसी कारण लड़की को अंतिम पूंजी कहा गया है। इस कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा अभिव्यक्त की गई। माँ अपनी बेटी के विवाह के समय सीख दे रही है और अपनी अंतर वेदना को प्रकट कर रही है। माँ की वेदना कितनी तीव्र है इसे बताने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वह पीड़ा स्वाभाविक होती है। माँ को ऐसा लग रहा है कि बेटी उसकी अंतिम बची हुई पूंजी है, उसे भी वह दान में दे रही है और माँ के अनुसार उसकी बेटी अभी सयानी समझदार नहीं हुई है, वह तो भोली भाली अति सरल है। वह सुख की कल्पनाओं के लिए दुख को प्रकट करना नहीं जानती, अर्थात बाल जीवन के सुख दुखों से अभी अपरिचित है। माँ बेटी को सीख देती है, सावधान कर रही है कि पानी में झांक कर अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर अधिक इतराना मत, कुछ मत होना, इससे आग की तरह सावधानी बरतना। आग रोटी सेकने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं। वस्त्र आभूषण शब्दों के ब्रह्मचारी की तरह है, उनकी लालच में मत पड़ना। ये
और माँ बताती है कि अपनी लड़की को बताती है कि लड़की की तरह मर्यादित तो रहना परंतु लड़की की तरह केवल भोले बनकर मत रहना, हर तरह से सावधान रहना, सजग रहना और जीवन की हर परिस्थितियों का निर्भय होकर और निडर होकर सामना करना। अब हम पढ़ेंगे पद पहला, इसका वाचन करेंगे कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख वाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों में कुछ टुकों और कुछ लयबद्ध पंक्ति। अब शब्दार्थ है प्रामाणिक का मतलब स्वाभाविक या यथार्थ, पूंजी का धन, सयानी समझदार या योग्य आभास का प्रतीत होना, वाचना पढ़ना या उसको समझ पाना, पाठिका पढ़ने वाले या समझने वाले, लयबद्ध मतलब लय में आबद्ध। अब हम संदर्भ पर देखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित कन्यादान कविता से ली गई है और इसके कवि ऋतुराज हैं। प्रसंग है कि प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया कि कन्यादान करते समय माँ बेटी के भावी जीवन के प्रति चिंतित है और माँ की चिंता का कारण यह है कि लड़की में अभी दुनियादारी की समझ नहीं है और वह अत्यंत भोली और सरल है। अब हम व्याख्या देखेंगे। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कन्यादान करते समय लड़की की माँ का दुख बहुत ही वास्तविक है, वह सचमुच दुखी है क्योंकि कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी, अर्थात बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होने के कारण अब उसकी आखिरी पूंजी के समान है जिससे वह अपना सुख दुख बांट सकती है। उसे दुनिया के स्वार्थी व्यापार की समझ नहीं थी। उसकी लड़की अभी क्या है, भोली और सरल है, नादान है और ससुराल पक्षी की कठोर सच्चाइयां का और पुरुष प्रधान समाज के बंधनों का ज्ञान उसे अभी नहीं है। उसे विवाह के सुखों का कुछ कुछ एहसास तो था किंतु वैवाहिक जीवन की झंझटों और दुखों का ज्ञान नहीं था। उसे सुख में छिपे दुखों की समझ नहीं थी। उसे तो बस वैवाहिक जीवन में एक अस्पष्ट से प्रकाश का एहसास था, अर्थात सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना थी। सुखों और लय से बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। आशा यह है कि उसे विवाह में केवल सुरीले और मोहक पक्ष का पता था, वह काल्पनिक सुखों में जीती थी। सुख दुख भरे संपूर्ण जीवन से वह अपरिचित। अब इसके बाद व्याख्या के बाद इसका पद सौंदर्य या काव्य सौंदर्य है कि धुंधले प्रकाश को जीवन के अस्पष्ट अनुभव के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है और छंदमुक्त कविता है। बेटी के कन्यादान की सर्वाधिक पीड़ा माँ को ही होती है। अब हम इस पद से कौन कौन से प्रश्न है आ सकते हैं उनको देखेंगे कि माँ का कौन सा दुख प्रामाणिक था और कैसे। तो इसका उत्तर है कि विवाह के अवसर पर कन्यादान करते समय माँ को जो दुख अनुभव कर रही थी वह दुख प्रामाणिक था क्योंकि बेटी को कन्यादान स्वरूप वर पक्ष के हाथों सुपुर्द करते समय माँ के मन की पीड़ा स्वाभाविक है और इसमें कुछ भी बनावटी नहीं हो। फिर प्रश्न दूसरा कि बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कहा, क्योंकि माँ के सबसे निकट बेटी ही होती है जो हर सुख दुख में माँ बेटी को सहयोग प्रदान करती है, इसीलिए बेटी को माँ के लिए अंतिम पूंजी कहा गया। फिर प्रश्न कि बेटी अभी सयानी नहीं थी मैं माँ की अंतर वेदना क्या है, तो माँ के स्नेह में पली बड़ी बेटी उसके लिए सरल ही होती है। इसके अतिरिक्त माँ जानती है कि बेटी को परिवार से हटकर मनुष्यों के कटु व्यवहार की जानकारी नहीं है और ससुराल पक्षी उस व्यवहार को कैसे सहन कर पाएगी। वह
वाचन करेंगे कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सहकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन में। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखना। अब इसके शब्दार्थ है, रीझना का अर्थ होता है मतलब प्रसन्न होना, आभूषण अलंकार गहने या जेवर। अब संदर्भ वही पूर्व की भांति की प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी के क्षितिज काव्य खंड से ली गई हैं। इसके लेखक कवि श्री ऋतुराज जी है। प्रसन्न है कि प्रस्तुत पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को ससुराल में होने वाले शोषण से बचाने हेतु सीख दे रही है। व्याख्या है कि कन्यादान के समय लड़की की माँ उसने कहा कि तुम ससुराल में पानी में अपने चेहरे को की परछाई देखकर उसकी सुंदरता से मोहित मत हो जाना बेटा। और इसी तरह आग तो रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं होती। और जो कपड़े गहने अलंकार नारी जीवन के लिए बंधन स्वरूप होते हैं, जिस प्रकार शब्दों के भ्रम में मनुष्य को बांध लेते हैं, उसी तरह ये कपड़े और गहने नारी को बांधे रखते हैं भ्रम जाल में। अर्थात यह भाव यह है कि स्त्री की सुंदरता और कोमलता उसे संतुष्टि तो देती है, परंतु उसी सौंदर्य की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी विशेष नियम लागू कर देता है, उसे आदर्श नाम दिया जाता है। और यह आदर्श नाम देते हुए नारी पर अनेक बंधन लगा दिए जाते हैं। इसी प्रकार भाव में शब्दों द्वारा भ्रमित करके स्त्री को बंधन में बांध दिया जाता है, जिस तरह सुंदर कपड़े और गहने सजावटी वस्तुएं वास्तव में स्त्री के जीवन में बंधन का ही कार्य करती हैं। माँ आग का उदाहरण देते हुए बेटे को समझाती है कि आग देखने में आकर्षक होती है, परंतु रोटी सेकने के लिए ही वह उपयोगी है। यदि वह आग हमें जलाने लगे तो वह हमारे लिए हानिकारक है। इस तरह माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि इसी तरह सौंदर्य और कोमलता यदि स्त्री को गरिमा और महानता दे तभी उसकी उपयोगिता है। यदि वही उसके लिए बंधन का कारण बन जाए तो वह उसके लिए निरर्थक है। ऐसी सुंदरता पाकर प्रसन्न होना मूर्खता। माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम लड़की होते हुए लड़की जैसी मत दिखाई देना, अर्थात स्त्री सुलभ सौंदर्य और कोमलता के स्वामिनी होते हुए भी तुम दुर्बलता मत प्रकट करना समाज द्वारा नारी के लिए जो आदर्श बनाए गए हैं उन अनुचित बंधनों को स्वीकार मत करना। अब एक आदि सौंदर्य कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन में। उपमा अलंकार सुंदर प्रतीत योजना है, चित्रात्मकता है और शब्द चयन अत्यंत आकर्षक सरल एवं प्रभावमय भाषा है। और वस्त्र और आभूषणों में नारी जीवन का बंधन बताया गया है। अब हम देखेंगे कि इस पद में से किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं, हम उन प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। प्रश्न है कि माँ ने बेटी के चेहरे पर रीझने की सलाह क्यों दी है। प्रायः स्त्री अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होती है, फिर प्रशंसा के बंधन में बंधी रहकर कमजोर उनको बनकर रहना पड़ता है। इसे ही अपना सर्वस्व मानकर चार दीवारी में आबद्ध रहती है और परंपराओं के निर्वाह तक सीमित रहना ही जीवन की सार्थकता समझ ली जाती है। प्रश्न दूसरा, माँ ने बेटी को कैसे सावधान किया। उत्तर, माँ ने बेटी को सावधान किया कि अपने चेहरे के सौंदर्य को देखकर या आभूषणों को देखकर या कृषि के प्रशंसा सूचक शब्दों को सुनकर खुश मत होना, यह सब शब्द या जेवर है